हेलो एवरीवन, शिवम संकल्प इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रक्षेप्य गति। अभी तक हम लोगों ने समतल में गति को अच्छे से स्टडी किया और उसमें हम लोगों ने एक चीज जाना कि कोई भी एक वस्तु दो दिशाओं में गति कर सकती है। एक्स दिशा में गति के साथ साथ वो वस्तु वाई दिशा में भी गति कर सकती है। कब गति करेगी? जब वो अपना प्लेस, अपना स्थान एक जगह से दूसरे जगह छोड़ती है या फिर जाती है। और कंडीशन क्या है, कब वो गति कर सकता है, कब ये संभव है? तो ये संभव तभी होगा जब वो वस्तु किसी तल में गति करे, चाहे वो तल एक्स वाई का हो, चाहे वाई जेड का हो या फिर जेड एक्स का हो। तो ऐसे गति को जब कोई भी वस्तु किसी एक तल में गति कर रहा है और जिसमें कि x के साथ साथ y की दिशा भी परिवर्तित हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं समतल में गति, यानी कि ऐसा गति जो टू डायमेंशनल हो, दो विमा में हो। ठीक, तो हम लोग इसी समतल में गति का दो उदाहरण पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आज हमारा पहला उदाहरण है प्रक्षेप्य गति और दूसरा उदाहरण हम पढ़ेंगे वृत्तीय गति। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रक्षेप्य गति, जिसके बारे में हम लोग अब आज इंट्रोडक्शन क्लास है। ये प्रक्षेप्य गति को अभी आज के क्लास में समझेंगे। ये हमारा टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा, तो ध्यानपूर्वक आप समझिए टॉपिक को। ये प्रक्षेप्य होता क्या है, प्रक्षेप्य गति क्या होता है, चलिए सबसे पहले हम इसको जानते हैं। देखिए, जब भी आप किसी वस्तु को फेंकते हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो या फिर किसी कोई पिंड हो, पिंड यानी कोई भी बॉडी हो, अगर आप उस चीज को फेंकते हैं, मान लीजिए कि ए हमारा वर्टिकल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है। वर्टिकल डायरेक्शन मतलब वर्टिकल का हिंदी होता है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर दिशा में आप किसी वस्तु को ऐसे फेंक रहे हैं, आपके पास कोई गेंद है, उस गेंद को आप ऊर्ध्वाधर दिशा में ऐसे ऊपर की ओर फेंक दिए, तो वो गेंद जितने समय में जितनी गति के साथ ऊपर जाएगा, उतनी ही गति के साथ वो सीधा ट्रेवल करते हुए, सीधा गति करते हुए नीचे भी आएगा। ठीक, नीचे क्यों आएगा? क्योंकि नीचे पृथ्वी के कारण गुरुत्व बल काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल अगर किसी चीज में लग रहा है तो वो निगेटिव मतलब एक्सेलरेशन के साथ, गुरुत्व जिसको हम बोलेंगे त्वरण के साथ, यानी जी के कारण वो हमारा जो बॉल है, जो हमने ऊपर फेंका था इसको, वो वापस लौट के पृथ्वी की तरफ आएगा और गिर जाएगा। ठीक, तो ये जो ऊर्ध्वाधर गति होती है इसको हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए ये कोई हमारा हाइट है, कोई ऊंचाई है, बिल्डिंग है, यहां से आपने किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंका। ठीक, यहां से आपने इस बॉल को ऐसे फेंका तो ये क्या है, किस दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में आपने फेंका। तो जितने समय में ये ऊपर जा रहा है जितनी गति के साथ, उतनी ही गति के साथ फिर ये बॉल वापस लौट जाएगा और कहां पहुंच जाएगा, ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक, तो ऐसे गति को जो कि सीधे रेखा में गति करता है, ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ऐसे गति को हम रेखीय गति कहते हैं। अब ये प्रक्षेप्य गति क्या होता है, तो देखिए इसका अपोजिट, अगर आप किसी वस्तु या फिर पिंड को टेढ़ा फेंकते हैं, टेढ़ा यानी अभी आप क्या कर रहे थे, सीधा ऊपर फेंक रहे थे, अभी आप ऊर्ध्वाधर नहीं फेंक रहे हैं, वर्टिकल नहीं फेंक रहे हैं, आप किसी वस्तु को टेढ़ा फेंक रहे हैं, कोई बॉल है, इसको पत्थर है, ऐसे फेंक रहे हैं। ठीक, या फिर आप ऐसे फेंक रहे हैं, आप कैसे भी फेंक रहे हैं, कंडीशन है कि आप किसी एंगल पे अगर फेंक रहे हैं, किसी कोण पे फेंक रहे हैं, तो ऐसे गति को हम बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। बात समझ में आई? तो इसकी परिभाषा हमने क्या बनाया, इसकी परिभाषा हमने ये बनाया कि जब किसी भी पिंड या फिर वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जाता है। ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में क्यों फेंका जा रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न यानी टेढ़ा, कोई भी एंगल पे आप फेंक रहे हैं, अगर ऊर्ध्वाधर फेंकते तो फिर वो गति प्रक्षेप्य गति नहीं होती, वो गति रेखीय गति बन जाती। तो हमने इसकी भिन्न दिशा में फेंका तो पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत, गुरुत्वीय त्वरण क्योंकि उसमें एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा,
तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण होगा, कुछ न कुछ एक्सेलरेशन होगा जिससे कि वो नीचे की ओर गति करेगा। तो अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है, और जब वो उसमें गुरुत्वीय त्वरण काम करता है तो जिस वस्तु को आपने फेंका था वो ऐसा कुछ वक्र के रूप में गति करता है। यहां से आपने कोई वस्तु फेंका और उसने कैसा बनाया, ये वक्र टाइप का बनाया और यहाँ पे जाके ग्राउंड पे गिर गया। ठीक, तो ऐसा जब कोई वक्र पथ पर कोई वस्तु हमारी गति करती है तो फिर ऐसे गति को हम बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति। यहां तक बात समझ में आई? इस डायग्राम को आप अभी मत बनाइएगा, थोड़ी देर में मैं इस डायग्राम को बनवाऊंगा और समझाऊंगा भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो हमारी प्रक्षेप्य गति होती है इसमें दो दिशाओं में गति काम करती है। कौन कौन सी दिशा में? एक तो एक्स की दिशा में और दूसरा वाई की दिशा में। तो हम इसको ऐसा कहते हैं कि जो प्रक्षेप्य गति है हमारा, ये दो गतियों का समायोजन है, कॉम्बिनेशन। तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि प्रक्षेप्य गति दो गतियों का समायोजन है। दो गतियों का समायोजन है। कौन कौन सी गतियां होती हैं? तो इसमें दो दिशाओं में गति हो रहा है। पहला तो ऊर्ध्वाधर गति और दूसरा होता है क्षैतिज गति। ठीक, ऊर्ध्वाधर गति x के डायरेक्शन में और क्षैतिज गति y के डायरेक्शन में। ऐसा इसलिए क्योंकि वस्तु x के साथ साथ y की भी दिशा में परिवर्तित हो रही है। यहाँ पे आप इसको देखिए, ये हमने बनाया था ऐसा, ये वक्र बनाया जिसको हम प्रक्षेप्य गति बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये x के साथ साथ ये वाला इधर भी जा रहा है, तो ये ऐसे मुड़ते चला जा रहा है। तो पहले ऐसे जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है और मुड़ते भी चला जा रहा है। तो मतलब एक्स के साथ साथ वाई की दिशा में भी परिवर्तन हो रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो प्रक्षेप्य गति होता है वो दो गतियों का समायोजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ऊर्ध्वाधर गति और क्षैतिज गति। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? अब देखिए, अब जो ऊर्ध्वाधर गति होता है इसमें त्वरण नीचे की ओर होता है। ऊर्ध्वाधर गति में यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण यानी जी नीचे की ओर काम करता है, तभी तो बॉल या फिर पत्थर हम जो फेंक रहे हैं वो नीचे जाके गिर जा रहा है त्वरण के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण। ठीक, क्या फिर क्षैतिज में भी क्या गुरुत्वीय त्वरण काम करता है? तो आंसर है कि क्षैतिज में गुरुत्वीय त्वरण काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसमें गुरुत्वीय त्वरण इसलिए नहीं काम करता है क्योंकि आप ये देखिए, अगर ये हमारा नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण यानी जी है और यहां से ये क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा क्षैतिज है, ये क्षैतिज गति है। ठीक, अगर यहाँ पे कोई बल काम कर रहा है तो यहाँ देखिए एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। और क्षैतिज के साथ हम हमेशा देखते हैं कि क्या बनता है, कॉस थीटा बनता है। तो अगर आप किसी किसी वस्तु को किसी बल के साथ अगर क्षैतिज दिशा में फेंक रहे हैं तो नीचे की ओर त्वरण काम करता है और इधर क्षैतिज की ओर बल काम कर रहा है, तो उनके बीच एंगल बनेगा 90 डिग्री का। और हमें पता है कि क्षैतिज पे हम कॉस थीटा लेते हैं, तो आप ये बताइए ये कॉस 90 जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ये फिर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्षैतिज की दिशा में त्वरण नहीं होता है, उसमें त्वरण नहीं होता है। और अगर त्वरण नहीं होता है तो फिर उसका वेग समान होता है। हमने पढ़ा था जब त्वरण और वेग पढ़ा था, शायद इसी चैप्टर में पढ़ा था या फिर पिछले चैप्टर में, कि अगर एक समान वेग है इसका मतलब त्वरण क्या है, शून्य है। तो इस चीज को भी आप लिख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखेंगे आप? ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण यानी जी
नीचे की ओर यानी डाउनवर्ड नीचे की ओर होता है। अगर हम बात करें क्षैतिज में, क्षैतिज दिशा में, तो क्षैतिज दिशा में त्वरण नहीं होता। क्यों नहीं होता, हमने जान लिया क्यों नहीं होता है। ठीक, अगर क्षैतिज में त्वरण नहीं होता इसका मतलब वेग क्या होता है, वेग एक समान होता है। ठीक, बात समझ में आई यहां तक? तो देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या समझा, हम लोगों ने अभी तक जाना कि प्रक्षेप पे गति होता क्या है। जब हम किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा के भिन्न दिशा में फेंकते हैं तो उस पे गुरुत्वीय त्वरण काम करता है यानी जी काम करता है, जिसकी वजह से वो वस्तु एक वक्र पथ पे गति करती है। ऐसा एक वक्र बनाएगा ऐसा, ठीक, रेनबो जैसा। तो रेनबो जैसा जो वक्र पथ पे गति करती है तो ऐसे गति को हम बोलते हैं प्रक्षेप पे गति। और ये गतियां हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजों में देखने को मिल सकती है। कोई भी चीज आप जैसे भी फेंक रहे हैं वो हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन में ही गति करता है यानी प्रक्षेप्य गति ही करता है। बस आप अगर ऊर्ध्वाधर ना फेंक रहे हो तो, अगर ऊर्ध्वाधर फेंक रहे हैं तो फिर रेखीय गति हुआ, लेकिन आप किसी भी वस्तु को चाहे ऐसे फेंके चाहे ऐसे फेंके वो कौन सी गति कहलाएगा, प्रक्षेप्य गति कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल हम बहुत सारी लिख सकते हैं, जैसे कि छत से फेंका हुआ गेंद, भाला फेंका हुआ, या फिर जहाज से बम फेंका हुआ, या फिर तोप से बम के गोले जो फेंके जाते हैं। ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, प्रक्षेप पे गति के। और इसके बाद हम लोगों ने समझा कि ये दो गतियों का समायोजन होता है क्योंकि इसमें दो दिशाओं में गति होती है, एक्स के साथ साथ वाई के साथ और वाई की दिशा में। तो इसमें हमने कहा क्षैतिज दिशा में गति और दूसरा क्या कहा हमने, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति। इसके बाद हमने जाना कि जो ऊर्ध्वाधर दिशा होती है उसमें त्वरण भी लगता है, त्वरण भी काम करता है। तो और त्वरण के ही काम करने की वजह से वो चीज ग्राउंड पे आके गिरती है। और क्षैतिज दिशा में हम लोगों ने देखा उसमें त्वरण नहीं होता है, त्वरण काम नहीं करता है, और त्वरण काम नहीं करता तो इसका मतलब उसका वेग कैसा होता है, एक समान होता है। तो अब चलिए हम इस डायग्राम को बनाते हैं और डायग्राम से हम इसके नोमेनक्लेचर को समझते हैं। चलिए डायग्राम बनाइए। यहां से हमने किसी वस्तु को फेंका, अब फेंका तो ये कैसा यात्रा किया, कैसा गति किया, प्रक्षेप गति करेगा। ठीक, प्रक्षेप गति किया और जाके यहां पहुंचा। ठीक, अब यहां से यहां अगर जा रहा है तो कुछ ना कुछ एंगल इसमें लग रहा होगा, तो उस एंगल को हमने नाम दे दिया क्या, थीटा नाम दे दिया। ठीक, बात समझ में आई यहां तक? और ये वाला हमारा, ये वाला कौन सी दिशा है, एक्स की दिशा है, और ये वाली कौन सी दिशा हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा वाई की दिशा। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक, बात समझ में आ रही है? अब देखिए आपने जिस वस्तु को फेंका था तो जिस वस्तु को हम फेंकते हैं उसको हम बोलते हैं प्रक्षेप्य। प्रक्षेप्य यानी जिस वस्तु को फेंका जा रहा है उस पिंड को क्या बोलते हैं हम, प्रक्षेप्य। तो यहां से हमने कोई प्रक्षेप्य कोई वस्तु फेंका जिसको बोलते हैं प्रक्षेप्य। जब आपने वस्तु को फेंका तो आपने कुछ इसका प्रारंभिक वेग से फेंका होगा। ठीक, हमने माना कि वो प्रारंभिक वेग कितना होगा, यू होगा। ठीक, इस प्रक्षेप को जिसने आप जिसको आपने फेंका है तो कुछ ना कुछ वेग के साथ तो फेंका होगा ना, तो इसको हम बोलेंगे प्रक्षेपण का प्रारंभिक वेग। और हमने क्या माना, वो वेग कितना था, यू था। ठीक, अब आपने इसको इस दिशा में फेंका है तो हमने इसको, क्योंकि दिशा है इसके पास, इसको वेक्टर हम लिख सकते हैं, यू वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक,
अब ये वस्तु ये ऐसे ऐसे गया और यहां आप कहां पहुंचा, ग्राउंड पे, जमीन पे यानी सतह पे आएगा। यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये जो दिख रहा है ये क्या है हमारा, एच मैक्स है। एच मैक्स का मतलब मैक्सिमम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई होगी ग्राउंड से इस पूरे प्रक्षेप का, ठीक, जो गति कर रहा है यहां से लेकर यहां तक उसकी मैक्सिमम ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई होगा। प्रक्षेप ने जिस रास्ते में ये गति किया पूरा, यहां से जब चलना स्टार्ट किया तो ये पूरा ऐसे ऐसे यहां आया है, तो ये वाले पथ को हम बोलते हैं प्रक्षेप्य, प्रक्षेप्य पथ बोलते हैं। जिस पथ में प्रक्षेप ने गति किया उस पथ को हम बोलते हैं प्रक्षेप्य पथ, ठीक। तो आप नाम लिख लीजिए, ये यू क्या है, यू क्या है हमारा, ये यू हमारा प्रक्षेपण का, प्रक्षेपण का प्रारंभिक वेग है, ठीक, प्रक्षेपण का प्रारंभिक वेग है। थीटा क्या है, प्रक्षेपण का कोण है। एच मैक्स क्या बता रहा है, ये एच मैक्स बता रहा है अधिकतम ऊंचाई सतह से, ठीक। प्रक्षेप्य पथ क्या होता है, प्रक्षेप्य द्वारा तय किया गया पथ, प्रक्षेप्य द्वारा जो भी तय किया गया पथ होगा हम उसे बोलते हैं प्रक्षेप्य पथ, ठीक, दिख रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये जो हवा में यात्रा कर रहा है, हवा में ये जो यात्रा कर रहा है हमारा प्रक्षेप्य या फिर कोई वस्तु, तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं प्रक्षेप्य, प्रक्षेप नहीं, प्रक्षेपण का उड्डयन, ठीक, प्रक्षेप, प्रक्षेपण का नहीं, प्रक्षेप्य का उड्डयन, ठीक, प्रक्षेप्य का उड्डयन। उड्डयन, एक सेकंड, इसको मैं फिर से लिखता हूं, आधा ड उड्डयन, ठीक, देख लीजिएगा आप हिंदी में कैसे लिखेंगे उड्डयन। उड्डयन का मतलब होता है फ्लाइट, ठीक, फ्लाइट इन द सेंस कि जो ये गति कर रहा है हवा में, कौन हमारा प्रक्षेप्य, ये जो हवा वाले को गति है जो फ्लाइट कर रहा है इसको हम बोल रहे हैं प्रक्षेप्य का उड्डयन। और यहाँ पे यहां से यहां तक ग्राउंड तक आने में उसको कुछ ना कुछ समय लगा होगा, टी समय लगा होगा, हमने माना कितना, टी समय, कितना माना, टी, और ये जो समय लगा है इसको हम बोलते हैं उड्डयन काल। क्या बोलेंगे इसको, उड्डयन काल बोलेंगे, जितना भी समय लगा ग्राउंड पे, ग्राउंड तक आने में, राइट। अब देखिए, अब हमने पढ़ा है कि कोई भी वेक्टर है, कोई भी अगर वेक्टर है तो उसका वियोजन हो सकता है, तो इसका वियोजन करने के लिए हमने क्या किया, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ किया जिसको हमने माना क्या, एक्स, और इसको हमने माना वाई। ये हमारा एक परिमाण है, रिजल्टेंट है यू वेक्टर। तो जब यहां पे हम समांतर चतुर्भुज बना देंगे, ये ऐसे हमने समांतर चतुर्भुज बनाया और इसको हमने माना कि ये क्या है हमारा यू एक्स वेक्टर है एक्स की दिशा में, और ये वाला जो है हमारा, ये हमारा है यू वाई वेक्टर वाई की दिशा में। तो हमने इस जो परिणामी हमारा वेक्टर था इसका हमने वियोजन कर दिया, अलग अलग घटक में बांट दिया, यू वाई और यू एक्स, वो एक्स की दिशा में, यू वाई वाई की दिशा में, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, ठीक। तो हमें पता है कि क्या पता है, हमें पता है कि एक्स के साथ हमेशा वियोजन होगा तो क्या बनता है, कॉस थीटा, और वाई के साथ हमेशा जब भी वियोजन होगा तो क्या बनता है,
साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा u वेक्टर है ये क्या है, ux प्लस uy वेक्टर है, है ना। और ux को हम क्या लिख सकते हैं, जब इनका हमने घटक में बांटा है, ये क्षैतिज वाले को हम क्या लिख सकते हैं, ux बराबर हम लिख सकते हैं u cos थीटा। और uy को हम क्या लिख सकते हैं, uy को हम लिख सकते हैं u sin थीटा। इसको हम लिख सकते हैं u cos थीटा और इसको हम लिख सकते हैं u sin थीटा। आपने इसको पढ़ रखा है u sin थीटा, इसको लिख सकते हैं ये वाले को, और इसको हम क्या लिख सकते हैं u cos थीटा। ठीक, इतनी चीजें आप पढ़ लिए हैं, बात समझ में आई यहां तक। अब यहां से लेकर यहां तक जो दूरी है, कहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक, ये वाली दूरी, ये यहां से लेकर यहां तक, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज परास। क्षैतिज परास, परास यानी रेंज, इसको हम डिनोट करेंगे आर से। ठीक, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज परास, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारा है प्रारंभिक वेक्टर, जिसका जितना स्पीड से हमने किसी चीज को फेंका था, अगर यहां पे हमें किसी वस्तु के वेलोसिटी को यानी वेग को ज्ञात करना है जैसे कि, तो उसको हम नाम देंगे v, कब कोई समय पे, t समय पे हमने किसी वस्तु का वेग जानना चाहा तो यहाँ पे हमने दिया उसको v, कब t समय पर। अगर हमें इसकी दिशा ज्ञात करनी हो तो हम यहाँ से इसकी टेंजेंट बना देते हैं ऐसे। ठीक, क्या बनाएंगे, यहां से एक टेंजेंट बना देते हैं जो हमें क्या ज्ञात कराएगा, वो हमें दिशा ज्ञात कराता है, राइट। तो ये था नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर था ये। और इसके बाद देखिए हमने एक चीज और लिखा था कि ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण जी काम करता है और क्षैतिज दिशा में त्वरण नहीं होता है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं कि कैसे। तो देखिए अगर हम बात करें कि क्षैतिज दिशा में जिसका वेग कैसा होता है, एक समान होता है, तो आप जहां भी कहीं भी लाइन खींचेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ये 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 ये, हर जगह आपको जो ईवेक्स यानी जो ईवेक्स है उसका वेग यानी क्षैतिज वेग हमेशा एक समान ही मिलेगा, उससे अलग नहीं मिलेगा। जितना यहां होगा उतना ही यहां होगा, उतना यहां उतना यहां उतना यहां उतना यहां, ठीक। और यहां से जब आप वर्टिकल में लाइन खींचेंगे, ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे ऐसे, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा होगा ये हमें क्या प्रदान करेगा, ये हमें उसका परिमाण देगा, ये ऐसे, ठीक। यहां से फिर ये नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर, ठीक। ये नीचे की ओर कौन सा वेग आ रहा है, ये ऊर्ध्वाधर वाला आ रहा है, और ये फिर लास्ट में कहां जाएगा, एकदम नीचे आ जाएगा, ठीक। तो हम इसमें एक चीज ये देखते हैं कि जो ये हमारा क्षैतिज वाला है ये कभी बदलता नहीं है, इसका वेग हमेशा एक समान होगा क्योंकि इसका त्वरण क्या है, शून्य है। लेकिन इसका त्वरण ये वाला बदलेगा एक समय पे, ये देखिए ये ऊपर ऊपर की ओर है इसका त्वरण, और फिर ये इसका निगेटिव हो जा रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जी काम कर रहा है नीचे की ओर। मान लीजिए यहाँ पे इसका 10 था, 10 मीटर पर सेकेंड, नहीं 10 नहीं, आपने शुरू में तो कोई चीज फेंका होगा तो बहुत स्पीड से फेंकेंगे, तो हमने कहा यहाँ पे उसका 60 मीटर पर सेकेंड स्पीड था जिसको आपने ऊर्ध्वाधर दिशा में ऐसे फेंका, तो 60 में फेंका, फिर वो क्या होगा, 60 से फिर 40 होगा, 40 से 20, फिर 10, फिर यहाँ पे पहुंच के जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर वो यहां से निगेटिव काम करेगा, जितनी स्पीड से ऊपर गया था उतनी स्पीड से फिर नीचे आएगा, तो नीचे जब आएगा तो फिर से वो क्या करेगा, माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 40 और फिर माइनस का 60 और फिर चला जाएगा नीचे, ठीक। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं ये वाला जो हमारा यहां से जो हमारा टेंजेंट खींच के बनता है परिमाणी, जिसको हम बोलेंगे यू वेक्टर, ये हमेशा क्या हो रहा है, झुकते चला जा रहा है। इसलिए हमारा ये पूरा जो पथ है वो कैसा बन जाता है, वो पूरा वक्र के जैसा बन जाता है, ठीक। अब ये चीज और आप नोट कर लेंगे कि यहाँ पे देखिए
ये जो पूरा प्रक्षेप्य गति है ये निर्भर किन राशियों पे करता है, तो ये निर्भर मात्र तीन ही राशियों पे करता है। वो तो पहला तो ये है कि उसका प्रारंभिक वेग, कितने वेग के साथ आप किसी चीज को फेंक रहे हैं, किसी वस्तु को फेंक रहे हैं। दूसरा चीज ये डिपेंड करता है कि आप किसी वस्तु को कितने एंगल पे फेंक रहे हैं, उसका कोण क्या है। ठीक, कोण अगर ज्ञात है, एंगल स्पीड ज्ञात है, तो आप बता सकते हैं कि कोई भी वस्तु कब जाके गिरेगी। ठीक, तो उसका हम कोण देखते हैं और साथ में हम ये देखते हैं कि उस पर गुरुत्वीय त्वरण कितना काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो एक चीज और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि जो ux है, मतलब इसका जो त्वरण होता है, त्वरण को हम a से दर्शाते हैं, तो ax क्या होगा, g हो जाएगा, माइनस का g होगा क्योंकि नीचे आ रहा है। और यहाँ पे ax तो ax के पास तो त्वरण है ही नहीं, तो यहाँ पे माइनस जी नहीं होगा, यहाँ पे तो सीधे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यू आई उधार दिशा में, ए वाई हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का जी, क्योंकि इसके पास त्वरण है। ठीक, किन राशियों पे ये पूरा डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है यू पे, थीटा पे और जी पे। ठीक, इन पर निर्भर करता है, कौन करता है, प्रक्षेप्य गति। ठीक, दिख रहा है, तो यहां पे देख लीजिएगा ये यू थीटा और जी पर निर्भर करता है प्रक्षेप्य गति। तो इसी के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं, धन्यवाद। कल के क्लास में हम इसका डेरिवेशन करेंगे और बहुत सारी चीजें इसमें ज्ञात करेंगे।